पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तभी से कश्मीर का रोना रोता रहा है। जिन्ना के वारिसों ने दुनिया की कोई ऐसी चौखट नहीं छोड़ी जहां जाकर उन्होंने कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू ना बहाए हो। लेकिन दुनिया का वो मुल्क जहां से दहशतगर्दी के अलावा दुनिया को कभी कुछ नसीब नहीं हुआ, उसकी बात का कोई एतबार क्यों करेगा। और यही हाल अब चीन का भी हो चुका है। लेकिन चीनियों की अति का अंत आने का समय आ चुका है और इसकी शुरुआत हो सकता है ताइवान के तट से ही हो, क्योंकि ताइवान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल का रुख चीन की तरफ कर दिया है और इसकी वजह से चीन में कैसा खौफ है ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरें कांप उठी, भीमकाय जंगी जहाज का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। समंदर में सबसे घातक मिसाइल क्या उड़ी, बीजिंग का लाल सुल्तान सहम गया। होना भी ऐसा ही था। जरा रफ्तार देखिए, परवाज देखिए, इस जोरदार गर्जना को सुनिए। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये अंदाज, ये परवाज इशारा है कि चीनी चांडालों की रोज रोज की जंगी सनक का ऐसा ही हश्र होने वाला है। ये इशारा है कि ताइवान की शेरनी का सब्र जवाब दे चुका है। ताइवान ने सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया जो जमीन से आसमान और समंदर में टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। ताइवान ने एक नहीं ऐसी दो मिसाइलों का परीक्षण किया जिसके बाद से ही चीनियों में खौफ इस कदर पसर गया जिसे जाहिर करने में जिनपिंग के शागिर्दों ने देर भी नहीं की। बीजिंग के भोपू ग्लोबल टाइम्स की इस गीदड़ भपकी को देखिए जिसमें लिखा है कि ताइवान की ये मिसाइल चीन की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने नाकाम साबित है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान की सरहद पर मिसाइल हमले की गीदड़ भपकी तक देने में देर नहीं की। पिछले 10 दिन से चीन लगातार ताइवान के खिलाफ हमले की साजिश कर रहा है। चीन के फाइटर जेट और बॉम्बर हर दूसरे दिन ताइवान की सीमा में घुस जाते हैं। ताइवान की राष्ट्रपति ने चीनियों से निपटने के लिए अब अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अपने जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंची थी। प्रेसिडेंट ने न सिर्फ पायलटों का हौसला बढ़ाया बल्कि चीन को भी साफ तौर पर बता दिया कि बीजिंग की बर्बादी का प्लान तैयार हो चुका है। ताइवान से आई इन तस्वीरों को जिनपिंग के शागिर्द बार बार देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार देख रहे हैं दहशत का लेवल उतना ही बढ़ता जा रहा है। खीज इस कदर है कि चीन ने अमेरिका के जंगी बेड़ों के फिर से ताइवान की सरहद की पहरेदारी में आने पर जंग की धमकी दे दी है। चीन की इन गीदड़ भपकियों से अब ताइवान डरने वाला नहीं है। कभी जंगी जेट, कभी बारूदी मिसाइलें, तो कभी तोप से गोले दाग कर ताइवान को दहलाने वाली ड्रैगन आर्मी को लास्ट वार्निंग मिल चुकी है। ताइवान ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बीजिंग की बर्बादी के लिए अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है। इसकी वाजिब वजह भी है। एक हफ्ते से चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान में घुस रहे हैं। 19 सितंबर को चीन के 18 बॉम्बर ताइवान की सरहद में दाखिल हुए थे। तब से करीब 40 बार चीन के बॉम्बर ताइवान में दाखिल हो चुके हैं। यानी चीन लगातार ताइवान पर कब्जे की साजिश में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका से दूर न रहने पर ताइवान की राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दे डाली। प्रेसिडेंट को मिली धमकी के बाद ताइवान अटैक मोड में आ गया है। जिनपिंग को जवाब देने के लिए ताइवान ने 2 दिन तक चीन की चौखट पर बारूद बरसाने का ऐलान कर दिया है जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ताइवान ने ताइपेई के आसमान में अपने F-16 फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाकर चीन को आखिरी बार चेता दिया है। News Stop 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।